हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में मैं आपको माता रानी के लिए चुनरी बनाने का तरीका बताऊंगी, जिससे आप अपने घर पर ही सजा सकते हो और बहुत ही सिंपल साइज में हमें सामान यूज में लेना होगा। तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमें चुनरी सजाने के लिए इस तरीके के फ्लावर्स चाहिए होंगे। ये मैंने घर पर ही बनाए हैं, आप चाहो तो मार्केट से भी ला सकते हो। अगर आप इस तरीके के फ्लावर बनाने का वीडियो देखना चाहते हो तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगी। और ये हमने चुनरी बनाने के लिए कपड़ा लिया है और इसके ऊपर आप डिज़ाइन भी देख सकते हो, चुनरी की बनी हुई है। और चारों तरफ हम इसके ये गोटा लगाने वाले हैं और इन फ्लावर्स के ऊपर हम ये मोती लगाने वाले हैं। ग्रीन कलर के हमने मोती लिए। तो सबसे पहले हम इसे चुनरी को साइज का कर लेंगे, जिस साइज़ का हमें बनाना है, और फिर हम गोटा लगाना स्टार्ट करेंगे। गोटा भी हम हाथ से लगाने वाले हैं। नवरात्रा आ रहे हैं तो आपको भी चुनरी जरूर बनानी चाहिए, और अपने हाथों से बनाएंगे तो और भी अच्छा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपको ये चुनरी कैसी लगी है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आप चुनरी के चारों तरफ इस तरीके से हाथ से गोटा लगा लीजिए और एकदम अच्छे से लगाना, दोनों तरफ से गोटा बराबर दबना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए हमने चारों तरफ ये गोटा लगा लिया है। अब हम इसमें फ्लावर्स लगाने वाले हैं। तो आपको ये देखिए, आप इस तरीके के स्टार्स भी लगा सकते हो और इस तरीके के फ्लावर्स भी लगा सकते हो। अगर आप स्टार बनाने का वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम ये फ्लावर्स लगाने वाले हैं। तो इनको हम जहाँ जहाँ पर हमें लगाने हैं चारों तरफ हम रख लेंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, इन फ्लावर्स को हटा के जिस जगह हमें लगाने हैं वहाँ से हम चौक से निशान लगा लेंगे, ताकि हमें पता रहे कि यहाँ यहाँ हमें फ्लावर्स लगाने हैं। तो यहाँ पर मैं लगभग 15 फ्लावर्स लगाने वाली हूँ। चारों कोनों पर जरूर लगाइएगा आप। अब देखिए, इनका उल्टा और सीधा हमें ध्यान रखना है। सीधी तरफ वाला फ्लावर्स आप ऊपर की तरफ रखिएगा, और अब इसके चारों तरफ हमें सिलाई लगानी है, वो भी हाथ से ही हमें। तो आपको बारीक सुई लेनी है गोटे के फ्लावर्स लगाते वक्त, और बारीक बारीक सिलाई लगाते हुए चारों तरफ हमें इसे सिलाई लगा देनी है, पक्की सिलाई। इसे आप बहुत ही सस्ते में और बहुत ही आसानी से घर पर बहुत अच्छे तरीके से बना सकते हो। तो आप जरूर ट्राई कीजिएगा चुनरी बनाने का तरीका। ये देखिए, हमने फ्लावर्स के चारों तरफ सिलाई लगा ली है फ्लावर के। अब हम इसके नीचे से बीच में से सुई निकालेंगे, ठीक है, और इसमें हम मोती पिरो देंगे। ग्रीन कलर का हमने यहाँ पर इसलिए लिया है ताकि ये बहुत ही अच्छे से शो करता है और बहुत ही ब्यूटीफुल भी लग रहा है, इसलिए यहाँ पर हमने ग्रीन कलर का मोती लिया है। इस पर आप पक्की सिलाई लगा दीजिए और फिर इस तरीके से ख़त्म कर दीजिए। तो देखा फ्रेंड्स आपने, कितना सुंदर लग रहा है ये लगाने के बाद। इसी तरीके से हम चारों कोनों पर लगा देंगे, और जहाँ जहाँ पर हमने निशान लगा रखे हैं वहाँ पर हम लगा देंगे। बारीक बारीक सिलाई लगाएगा, सिलाई ऊपर की तरफ नहीं दिखनी चाहिए, एकदम अच्छी फिनिशिंग के साथ काम कीजिएगा। ऊपर की तरफ बारीक बारीक स्टिच लीजिएगा, ठीक है, फिर इसके ऊपर मोती लगा दीजिए। इसी तरह हमें चारों तरफ मोती और फ्लावर्स लगा देने हैं। आप देख सकते हैं चुनरी बनकर तैयार है। आप चाहो तो इसे और भी ज़्यादा डेकोरेट कर सकते हो अपने आइडिया के अकॉर्डिंग। मैंने तो ये इस तरीके से सिंपल चुनरी बना रखी है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये बनाना। नवरात्र आ रहे हैं तो आप 9 तरह की चुनरी भी बना सकते हो, अलग अलग डिज़ाइन करके। थैंक यू फ्रेंड्स।